हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल प्ले स्टोर जो होता है उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी, हो सकता है आपके बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रहा हो, तो ये आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे वो प्रॉब्लम को आप रिजोल्व कर सकते हैं। क्या ये प्रॉब्लम है और कैसे उसको रिजोल्व करेंगे आगे आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं बता दूं उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है, जब भी आप वहां पर जाके चेक करते हैं माय अपडेट्स, या बोल सकते हैं अपडेट अवेलेबल, तो उसमें सारी ऐप के अपडेट्स आपको अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं। उसमें तो दिख ही नहीं रहे हैं या फिर एकाधी कोई दिख रहा है। मेरे साथ तो बहुत दिनों से हो रहा था, बट मैंने उसको ट्रिक निकाल ली, उसका सोल्यूशन जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो उसके मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको गूगल प्ले स्टोर के प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है थ्री डॉट्स पे, और यहाँ जाना है सॉरी प्रोफाइल पे और मैनेज पे, और यहाँ पर आपको मिलता है अपडेट अवेलेबल्स का ऑप्शन। आप यहाँ पर सी डिटेल पे करेंगे तो सारी ऐप जिस जिस पे अपडेट अवेलेबल होता है आपको यहाँ पर मिलता है। बट अभी पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर अपडेट दिख ही नहीं रहे। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही अपडेट दिख रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कितने अपडेट अवेलेबल हैं। लाइक मैं मैसेज पे गया हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास मैसेज का अपडेट भी अवेलेबल है जो वहाँ पर नहीं दिख रहा। और यहाँ पर मैं अगर जाऊँगा फिर इंस्टाग्राम पे तो आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे ही मुझे अपडेट अवेलेबल है। और ऐसे ही अगर मैं एफ बी भी लिखूंगा या फेसबुक लिखूंगा तो आप देखेंगे मेरे को फेसबुक पे भी यहाँ पर अपडेट अवेलेबल है, बट वो वहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। और भी बहुत सारी एप्स हैं जो मुझे नहीं पता जिनमें अपडेट अवेलेबल है, बट वो मुझे दिख नहीं रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो मैं आपको इसका एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद बंद कर देना है, या फिर आप सीधा उसकी ऐप इन्फो में चले जाएँ। आपको उसकी ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर जाना है आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पे। स्टोरेज पे जाने के बाद आपको क्लियर डेटा कर देना है। क्लियर डेटा करने के बाद उसको यहाँ से बैक आएंगे। बैक करने के बाद जो भी ऐप्स आपने खोली थी आपको सारी ऐप्स को बंद कर देना है। ऐप बंद करने के बाद अब आपको उसको प्ले स्टोर को दोबारा ओपन करना है। तो प्ले स्टोर को आप दोबारा ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि पूरा हमने डेटा क्लियर कर दिया। उसके बाद जब आप इसको यहाँ पर जाएंगे प्रोफाइल पे क्लिक करके माय ऐप्स पे, तो थोड़ा पहले तो आपको लेआउट चेंज मिल गया होगा। कुछ टाइम बाद ये अपडेट होगा आपका नए लेआउट पे, अभी पुराने लेआउट पे आ गया होगा। तो आप यहाँ देखेंगे अभी जैसे पुराना लेक दिख रहा है। मैं 2-4 मिनट से इसको दोबारा खोलता हूँ। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैंने बंद करा, इसको यहाँ से भी बंद कर देता हूँ। 2-4 मिनट बाद दोबारा खोलेंगे तो आप देखेंगे वो लेटेस्ट अपडेट भी हो जाएगा, और अब आपको वहाँ पर जो भी अपडेट्स अवेलेबल नहीं थे वो सब आपको वहाँ पर दिखने लग जाएंगे। तो ये आ गया है। अब मैं यहाँ पर वापस प्रोफाइल पे गया। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अभी अपडेट हो गया है। मैनेजर एप्स एंड डिवाइस पे उस पर गया, उस पर जाने के बाद अपडेट्स वाला जो सेक्शन है अभी वहाँ पर सर्चिंग चल रही है। आप देख रहे होंगे अपडेट सेंक्शन चल रही है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 27 ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि पहले नहीं दिख रहे थे। पहले मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब जाके वो यहाँ पर दिखने लग गए। आप देख रहे होंगे जो ऐप्स मुझे पता भी नहीं थे उनमें भी अपडेट्स अवेलेबल यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, काफ़ी दिनों से आ रही थी। मैंने कहा चलो मैं कर भी रहा हूँ तो सबको बता दूँ कि जिनको प्रॉब्लम आ रही हो तो वो सोल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपको डिसलाइक या कोई पसंद नहीं आई तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।